एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गणेश चतुर्थी है और सबको मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। सब लोग बहुत एंजॉय कीजिए, बहुत खुशी मनाइए। तो ये जो पूजा होती है, कोई कोई एक दिन करते हैं, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 9 दिन, कोई 11 दिन, कोई 21 दिन भी करते हैं। तो मोस्टली जो घर में पूजा होता है वो 1 दिन या 3 दिन होते हैं। मैं 11 दिन का करती हूँ। लास्ट ईयर मैं एक्चुअली कर नहीं पाई थी 11 दिन, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो 5 दिन तक की थी। लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी 11 दिन तक का जो पूजा है वो करने। और इसी के रिलेटेड जो है भोग जो बनता है वो मैं आप लोग को मैं सामने रखूँगी, आप लोग को मैं पेश करूँगी। और हर दिन मैं एक एक भोग बनाऊँगी और जो कि मैं YouTube में अपलोड करूँगी। आप लोग देखिएगा, आप लोग को अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सबको शेयर कीजिए। और आप लोग भी बना सकते हैं वैसे ही भोग घर में। और कुछ नमकीन भोग है, कुछ मीठा है, तो देख लीजिएगा कैसे हैं। तो हर दिन 11 दिन तक मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी, शाम को 6-6:30 के बीच में, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा। और कुछ नहीं, बस आज का जो रेसिपी है वो है बटाटा पोहा, जो कि बंगाली में कहते हैं आलू पोहा, चीरेर पुलाव जेटा के बोले बांग्लाते, आलू दिए चीरेर पुलाव। वो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में उसको कहा जाता है आलू पोहा या बटाटा पोहा, जो कि गणेश चतुर्थी के लिए भोग के तौर पे ये बनाया जाता है। तो आज की रेसिपी वही है। और आप लोग देखिएगा, आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे कोई कमेंट नहीं मिलता है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं बताइए अगर कुछ चेंजेस करना है तो, या सही है या गलत है, कैसा भी है आप कमेंट बिल्कुल कीजिए, ठीक है। और बस आइए फिर बनाते हैं। आज की इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 चा चम्मच राई जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च छोटे छोटे कटे हुए, 1 सूखा लाल मिर्च, करी पत्ता, 1 चम्मच हल्दी, 1 छोटे चम्मच हल्दी, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है। मोटा जो पोहा होते हैं उसे धो के साफ करके हमने रखे हैं। और 2 से 3 जो है आलू है उसे हम छोटा छोटा काट लिए हैं। पोहा जो है हम 2 से 3 कप लिए हैं। चलिए बनाते हैं आलू पोहा। एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें हम वाइट ऑयल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद राई जीरा जो है वो हम डाल देंगे। तब तक और कुछ नहीं डालेंगे जब तक राई अच्छे से फूट ना जाए। अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। सूखी लाल मिर्च और हरा मिर्च जो काट के रखे थे वो। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आलू जो है काट के रखे थे वो डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप अगर नहीं चाहते तो नहीं डालिएगा। नमक, अच्छे से इसको मिला लेंगे और थोड़ा देर इस पे ढक्कन लगा के पकने के लिए रखेंगे। करीबन 5 से 7 मिनट, 5-7 मिनट हो चुका है, अब देखते हैं। आलू पक गया है, अभी हम जो वो भिगा के रखे थे पोहा उसे हम इसमें डाल देंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा ढक्कन लगा के पकने रखेंगे 5 से 6 मिनट तक। लीजिए, हो गया है। ये पोहा जो है बनके तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, करीबन छोटे चम्मच के 2 चम्मच। और इसे अब अच्छे से हम मिला लेंगे। लीजिए, हमारे बटाटा पोहा बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर कल मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।